बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलकद आतैना कसबअ मिनल मसानी वल कुरआनिल अजीम सदकल्लाहु व मौलानल अजीम। अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें नेमत ईमान अता फरमाई, हम सबको हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया कि जब हम ये कहेंगे कि यह मकान हमारा है और मकान के अंदर एक हाल है, और हम कहें कि ये मकान भी हमारा है और ये हाल भी हमारा है, तो कोई शख्स ये पूछेगा कि जब आपने मकान का जिक्र कर दिया तो हाल का जिक्र अलग क्यों किया। इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने जो फरमाया कि महबूब, जो हमने आपको सूरह फातिहा भी अता फरमाई, सूरह फातिहा और कुरान मजीद भी अता किया, तो जब कुरान मजीद का जिक्र आ गया तो फिर सूरह फातिहा को अलग से बयान करने का मकसद क्या था। इसका जवाब यह है, इसकी हिकमत ये थी कि जो कुरान मजीद है वो मुकम्मल अलूम, हकायक, दकायक, मारिफ, उसकी पूरी तफसील है कुरान मजीद, और जो सूरह फातिहा है वो कुरान मजीद का खुलासा और इजमाल है। इसलिए कुरान मजीद को अलग बयान किया और सूरह फातिहा को अलग बयान फरमाया। तो आकल सलातम से अब जो कहा कि हमने आपको सब अमिनल मसानी अता फरमाई और कुरान मजीद अता फरमाया, तो इसका मतलब यह हुआ कि महबूब, हमने आप पर दो तरह के फैज़ जारी कर दिए। एक हमने आपको तफसीली फैज़ भी अता किया है और एक हमने आपको खुलासतन और इजमाली फैज़ भी अता फरमाया। जो कुरान मजीद है ये अल्लाह पाक का कलाम है, और जो कलाम होता है वो मुकल्लम की सिफात होती है, और जब कुरान मजीद मुतकल्लम की सिफात हो गई तो कुरान मजीद क्या हुआ, कुरान मजीद अल्लाह पाक की सिफात हुई। और आगे चलें, हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक शख्स आया, उसने पूछा कि आका अलैहिस्सलाम का अखलाक क्या है। हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो कुरान मजीद है वो हजूर का अखलाक है। कान खुल्कुहुल कुरान, फरमाया कुरान नहीं पढ़ा, जो कुरान है वो हजूर का अखलाक है। और मैंने आपको बात बताई, जो कलाम होता है वो मुतकल्लम की सिफत होता है, और कुरान मजीद अल्लाह पाक का कलाम है, तो कलाम अल्लाह पाक का होने के नाते जो कुरान मजीद है वो अल्लाह तबारक ताला की सिफात हुई। तो कुरान मजीद क्या हुआ, अल्लाह की सिफात हुई। और आयशा सदीका ने फरमाया कि कुरान मजीद हजूर का अखलाक है, तो इसका मतलब ये था कि लोगों, जो हजूर का अखलाक है वो अल्लाह तबारक ताला की सिफात है। जो हजूर का अखलाक है अल्लाह की सिफात है, जो हजूर का अखलाक है। अब फिर सवाल पैदा हुआ कि हजूर का अखलाक कुरान कैसे बना। 23 साल जो जो कुरान मजीद का नजूल होता रहा तो आकल सलातम का जो अपना जाती खुल्क था वो निकलता गया, और अल्लाह तबारक ताला का जो सिफात थी उन सिफात का रंग आकल सलातम पर चढ़ता गया। जब 23 साल मुकम्मल हुए तो कुरान मजीद ने कहा, इन्नका लअला खुल्कन अजीम, कि आप खुल्क अजीम पर फायज हैं। अब यहाँ से तरबियत का नुक्ता भी एक ये निकलता है कि जब कोई शख्स उस्ताद या मुर्शिद, आपके उलमाए कराम जब आपको कोई नसीहत करते हैं, कोई आपसे बात करते हैं, कोई आपको इल्म और फहम बयान करते हैं, तो हर शख्स का एक अपना जाती खुल्क होता है। खुल्क कहते हैं पक्की आदत, जो पुख्ता आदत होती है उसको अखलाक कहते हैं। तो जब बड़े लोग नसीहत करते हैं तो अपनी जो आदतें हैं उनको निकाल देना चाहिए, और उनकी तालीमात होती हैं उनको अपने ऊपर एडॉप्ट कर लेना है। तो जब यूं होगा तो रफ्ता रफ्ता जो असातजा की जो बातें होती हैं वो शागिर्द के अंदर सब आ जाती हैं, और उसका खुल्क तब्दील हो जाता है। अब अगर कोई शख्स कहे कि यह आपकी बात कैसे मान लें कि अल्लाह तबारक ताला की जो आयात का नजूल होता था तो हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खुल्क तब्दील कर लेते और अल्लाह तबारक ताला की सिफात का रंग ऊपर चढ़ा लेते, उसकी एक मिसाल मैं बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूंगा, क्योंकि मज़ा नहीं रहा जो साउंड सिस्टम के अंदर जो गुफ्तगू होती है। गज़वा उहद है, आका अलैहिस्सलाम का दंदान मुबारक शहीद हो गया और आका अलैहिस्सलाम एक गाड़ी के अंदर गिर गए थे। अब सहाबा के अकराम के अंदर तो ये बात मशहूर हो गई थी कि शायद आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया है। तो आका अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए, इधर मोहम्मद की जात है और उसको इस हाल में छोड़ के चले गए, तुम कैसे फलाह पाओगे। और उधर जब अल्लाह तबारक ताला ने अपनी आयात का नजूल फरमाया
तो अल्लाह की सिफात का रंग जब मुस्तफा पर चढ़ा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब कोई मोहम्मद के कहने पर जो वापस आ गया उसे जन्नत की बिशारत देता हूँ। तो इस तरीके से ये एक मैंने दलील दी है कि जो जो कुरान मजीद की आयात का नजूल होता गया तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जाती सिफात को निकालते गए और अल्लाह तबारक ताला की सिफात का रंग मुस्तफा पर चढ़ता गया। और जब 23 साल मुकम्मल हुए तो कुरान मजीद ने कहा इन्नका अला खुल्कन अजीम, आप खुल्क अजीम पर फायज थे। जो तो आका अलैहिस्सलाम की बात है। और आम इंसान जो हम हैं, हमारी जो पैकर बशरियत है, हमारी पैकर बशरियत के अंदर जो मट्टी इस्तेमाल हुई है, पानी इस्तेमाल हुआ है, मट्टी और पानी से फिर गारा बना है, फिर उस गारे पर सूरज की रोशनी लगी है, सूरज की रोशनी से फिर वो गारा ठीकरा बन गया, बजने लग गया, ये सारी चीजें जो हमारा बशरी पैकर बना है, जो केमिकल एवोल्यूशन है इंसान की, जब ये पैकर बशरी बना तो क्या हुआ, फरिश्तों ने क्या कहा था, बारी ताला तू जिन जिन चीजों से इंसान को पैदा करने वाला है, जो अज्जा इसके पैकर बशरियत के अंदर डाले हैं उनके अंदर तो खिलाफत वाली कोई बात नहीं, ये तो क्या करेगा, ये तो फसाद करेगा, ये तो खून रेजी करेगा, हमें खलीफा बना, हम देख हर वक्त तेरी तस्बीह और तहलील बयान करते हैं। अब एक सवाल कि अभी तो इंसान पैदा न हुआ था तो फरिश्तों को कैसे पता चल गया कि वो फसाद करेगा, खून रेजी करेगा। फरिश्तों ने जिन चीजों से इंसान बनाया जा रहा था वो देख रहे थे कि इसके अंदर मट्टी है, तो मट्टी के अंदर गिरावट होती है, मट्टी गिरी हुई चीज होती है, तो जिस अज्जा से जो मरकब बनाया जाता है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसकी क्वालिटीज भी मरकबात के अंदर शामिल होती है। तो उन्होंने सोचा कि जब ये इंसान मट्टी से बन रहा है तो लाजमी है कि इंसान भी गिरा हुआ होगा, मट्टी में गिरावट होती है। फिर फरिश्तों ने देखा कि मट्टी के अंदर पानी मिलाया गया तो पानी के अंदर बहाव होता है, तो पता चला कि इंसान की तबीयत के अंदर भी बहाव होगा, कभी नेकी की तरफ बह जाएगा, कभी बुराई की तरफ बह जाएगा। फिर फरिश्तों ने देखा कि मट्टी और पानी को मिला दिया गया, गारा बन गया, तो गारा क्या होता है, स्टिकिंग मड होती है, चिपकने वाला गारा, तो इंसान भी कोई किसके साथ चिपक जाएगा, कोई किसके साथ चिपक जाएगा, किसी की जान नहीं छोड़ेगा। तो फिर उस पर सूरज की रोशनी लगी, जब सूरज की रोशनी लगी तो वो मट्टी ठीकरे में बन गई। क्या कहा कि हमने बजती हुई मट्टी से पैदा किया, कि आवाज देने वाली कि मुतकब्बर होगा इंसान। तो फरिश्ते देख रहे थे कि जब सूरज की रोशनी लगी तो वो ठीकरा बन गया, तो इंसान जो बनेगा उसके अंदर तकब्बर भी होगा इंसान। और फिर कहा कि मट्टी बूदार हो गई थी, कुछ अरसा पड़ी रही, तो वहां से पता चला कि इंसान के अमल कुछ बूदार भी होंगे। तो ये सारी चीजें जो फरिश्ते थे वो केमिकल एनालिसिस कर रहे थे, वो देख रहे थे कि जिन अज्जा से इंसान को पैदा किया जा रहा है, इंसान के अंदर ये चीजें होंगी, वो तो लठ उठा लेगा, वो तो मारेगा, फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, लोगों की जमीनें हथिया लेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बारी ताला ये तो फसाद करेगा, और तू कहता है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं उसके सर के ऊपर खिलाफत का तख्त सजाऊंगा, तो बारी ताला खिलाफत वाली कौन सी चीज है। अब अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, इंसान सिर्फ यही कुछ नहीं जो तुमने देखा है, ये सिर्फ उसका तन था। क्या था, ये उसका सिर्फ तन था, तो जो उसका मन बनाया था उसको नहीं देखा था। तो फरिश्तों को याद आ गई कि अल्लाह पाक ने उस तन के अलावा उसके अंदर एक मन भी बनाया था। मन क्या था, कुरान मजीद उठाए अल बकरा में, कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया फैजा सवैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फकउ लहु साजिदीन, जब उसका पैकरे बशरी मट्टी और पानी के अज्जा से जब मुकम्मल कर लेंगे, व नफख्तु फीहि मिन रूही, उसके अंदर मैं अपनी रूह फूंकूंगा, जो फैजान रबूबियत का नूर होगा, होगा तो मट्टी का पैकर मगर उसके अंदर एक नूर का चिराग जल रहा होगा। फकउ लहु साजिदीन, तो तुमने फकत उसके तन को देखा है, वो तो पैकरे बशरी है, बशर कहते हैं जल्द को। कुरान मजीद कहता है लवाहतुल लिल बशर, जहन्नम की आग इंसान के जल्द को जला देगी, जो जल्द होती है, जो ढांचा होता है, इसको बशर कहते हैं। तो फरमाया कि तुमने फकत उसके जाहिर को देखा, तन को बनते हुए देखा, तुमने ये नहीं देखा कि उसका मन क्या है, तो मन उसकी असलियत होती है। तो ये भी इंसान के अंदर तन और मन दो चीजें बनाई है, और अल्लाह तबारक ताला ने मन के अंदर रूह को रखा, और तन जो जिस्म है उसका नुमाइंदा नफ्स बना दिया, और रूह का जो रूह है वो अल्लाह का जिक्र करती है, और वो आलम अरवाह से आई, और जो जिस्म है वो मट्टी से पैदा हुआ, ये आलम नासूत से बना, और रूह आलम मलकूत, आलम जबारूत, आलम हाहूत से आई है।
इसलिए तो अल्लामा ने कहा ए तायर लाहूती, ए रूह को मुखातिब होकर कहा ए आलम लाहूत के परिंदे, ए तायर लाहूती, इस रिज्क से मौत अच्छी, क्योंकि जब तक हम रिज्क खाते रहेंगे उस वक्त तक हम इस दुनिया में रहेंगे, और जब रिज्क खाना बंद हो जाता है इंसान पर मौत वाकिया होती है तो इंसान की रूह फिर परवाज करके आलम हाहूत में, आलम लाहूत में चली जाती है। असल जो उसका देश होता है, जब रूह को पैदा किया तो आलम अरवाह के अंदर रखा, असल देश वो था, उस देश से रूह जमीन पर आ गई है। अब चंद सालों की जिंदगी है, किसी को 50 साल नसीब हुए, किसी को 60 साल नसीब हुए, तो जब यहाँ का रिज्क खत्म होता है और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत के प्रासी से इंसान निकल कर जब आगे जाता है तो जिस्म कब्र में चला जाता है और रूह दोबारा आलम हाहूत, आलम लाहूत में चली जाती है। इसलिए लामा ने कहा ए तायर लाहूती, इस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती है परवाज में कोताही, परवाज में कोताही आती है इस रिज्क के खाने से, और रूह जो है वो अल्लाह का जिक्र करती है और हर वक्त अल्लाह के जिक्र से वो ताकतवर होती है, और जो जिस्म होता है उसको गजा चाहिए होती है, तो जिस्म गुनाह की तरफ मायल करता है और रूह नेकी की तरफ मायल होती है, तो जिस्म के अंदर रूह को बंद कर दिया और रूह अंदर तड़पती रही, और रूह तो ये कहती रही कि जब तक पैदा न किया था बारी ताला, न था कुछ तो खुदा था, न होता मैं तो क्या होता, डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, मुझे यार से जुदा कर दिया, यार की कुर्बतों से जुदा कर दिया, औलिया कराम की कुर्बतों से जुदा कर दिया, तो रूह को उन कुर्बतों से पैदाइश ने पकड़कर जुदा कर दिया। इसलिए तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता हुआ आता है, क्यों? इसलिए उससे संगतें जुदा हो गई हैं, उससे वो कुर्बतें जुदा हो गई हैं, अल्लाह तबारक ताला की कुर्बतें अलग हो गई हैं। आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पे उतरे तो रोते थे। शीस अलैहिस्सलाम ने पूछा बाबा क्यों रोते हैं? फरमाया पहले तो नदामत पे रोता था कि दाना खा लिया, जब से तौबा हो गई है अब इसलिए नहीं रोता, अब इसलिए रोता हूँ कि अब वो कुर्बतें याद आती हैं। अल्लाह पाक ने जन्नत का पत्थर जमीन पर उतार दिया, फरमाया ए आदम ये जन्नत का पत्थर है, इस पर बैठा कर, इस पर बैठने से जन्नत की याद दोबारा जमीन पर वापस आ जाएगी। तो रूह मर्द मोमन की जब इस दुनिया में आई तो वो तड़पती रही, वो तो कहती रही कि ए दुनिया हमें तुझसे कोई तमन्ना कब है, हम तो इस आस पे जीते हैं कि मरना कब है। रूह तो तड़पती रही और रूह ख्वाहिश अपनी जाहिर करती रही कि बारी ताला वो दिन आए कि कोई फरिश्ता कहे हजूर की निस्बत बता ये कौन है, और मैं कहूँ कि उसी यार की खातिर तो मर के यहाँ पर आया हूँ। इस दुनिया में तो कोई नहीं कहता, इस दुनिया में कोई नहीं कहता मोहम्मद मुस्तफा की निस्बत के बता ये कौन है। तो इंसान की रूह जब मौत के प्रासी से आगे जाती है तो फिर आका अलैहिस्सलाम का दीदार होता है। मेरे मुस्तफा की पैकरे बशरियत के लिए जन्नत का जो टुकड़ा था वहाँ से मट्टी ली गई, फिर जब मट्टी लाई गई तो फरमाया जन्नत का जो तस्नीम की नहरें हैं, जन्नत का पानी है, उससे मट्टी को धोया जाए। उस मट्टी से पानी को धोया गया और फिर आका अलैहिस्सलाम का बशरी पैकर बनाया गया। जब बशरी पैकर बन गया तो जो खिलकी नूर था उस खिलकी नूर को फिर 12 रबीउल अव्वल को आमना की गोद में वो रख दिया गया और आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जब विलादत हुई तो 23 साल, मैंने जो आपको बात बताई कि अपना खुल्क हट गया और अल्लाह तबारक ताला ने 23 साल जो कुरान मजीद को नाजिल किया तो 23 साल अल्लाह तबारक ताला ने अपनी सिफात का रंग मुस्तफा पे चढ़ा दिया। अब खुल्क जाहिरी तौर पर, यही तो आयशा सदीका फर बताना चाहती है कि लोगों हजूर का अखलाक मालूम करना चाहते हो, हजूर का अखलाक कुरान है, माना यह था कि हजूर का अखलाक रब की सिफात है। अब जो खुदा की सिफात का मंजर देखना चाहता है तो वो मुस्तफा को कुरान मजीद की शक्ल में देख रहे तफसीली, अगर तफसीली फैज रब का देखना चाहता है, रब की सिफात का, तो वो मुस्तफा को बशक्ल कुरान देख ले। और जो खुदा की सिफात का मुशाहदा इजमालन और खुलासतन देखना चाहता है तो वो मोहम्मद मुस्तफा को बसूरत सूरह फातिहा देख ले। अल्लाह पाक हमें दीन का फहम अता फरमाए और दीन की तालीमात को सीखने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।